बजट के ही मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया और राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल जी। सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या है जो बजट आया? देखिए, बजट से निराशा हाथ लगी है, विशेषकर नौजवानों को, किसानों को, और जो राज्यों में भेदभाव किया इन्होंने, आंध्रा और बिहार, सिर्फ इनको ही पैकेज दिया। हम उस पैकेज को गलत नहीं मानते, पैकेज देना चाहिए था और आवश्यकता भी, लेकिन ऐसे कम से कम 15 राज्य होंगे जिनको पैकेज की आवश्यकता, जो अलग अलग है, चाहे कोई बाढ़ से प्रभावित है, तो कोई स्वास्थ्य सेवाओं से, तो कोई रोजगार से, कोई दूसरे मामलों से, कोई आपका नक्सलवाद से जूझ रहा, कोई दूसरे मामले, तो इनको, इन्होंने तो बजट के अंदर हमारे राज्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहाँ बीजेपी इस बार बुरी तरीके से हारी थी, उनका नाम लेना भी उचित नहीं समझा, उन ये राज्य भी देश के अंदर है। जवानों को निराशा हाथ लगी, कोई नई नौकरियों की घोषणा नहीं की, नए रोजगार कैसे सर्जित होंगे वो उसके अंदर बजट में कुछ भी नहीं बताया, आंकड़ों का माया जाल है। और किसान को आय दुगुनी करने की जो बात लगातार ये 10 साल से कह रहे हैं, ये मुझे इसके अंदर कहीं नज़र नहीं आ रही है। रेल का नाम नहीं लिया और ओल्ड पेंशन जो स्कीम है कर्मचारियों उसका भी जिक्र नहीं किया, जिसकी उम्मीद थी इस बार मोदी का नया बजट कुछ नया जादू दिखाएगा और हिंदुस्तान को आगे लेके जाएगा। लेकिन मुझे ये बजट निराशाजनक लगा, इस बजट से कोई बहुत बड़ा फायदा आम जन को नहीं। तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया गया है, ये मजबूरी है? ये मजबूरी है साहब, इंडिया जो NDA की सरकार है वो इन दोनों राज्यों के जो मुखिया है उनकी बदौलत ही, अगर वो दोनों समर्थन वापिस ले ले सरकार गिर जाएगी। उनको तो खुश रखना ही है रोज, उनको खुश रखना ही है, लेकिन उनको खुश रखने के चक्कर में बहुत से लोग इनसे नाराज हो जाएंगे, वो खुश भी नहीं रहेंगे, तो आने वाला समय इनके लिए खराब है NDA के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को लगे कि ठीक है? नहीं, ऐसे तो 1.5-2 घंटे का भाषण था, अगर उसको सुनते तो नींद आ रही थी ज़्यादातर MPs को, तो ठीक ही था। तो निर्मला सीतारमण खुद बजट पढ़ रही थी तो बार बार पसीना पहुँच, तो मुझे लग रहा है कि बजट इससे बनवा ही नहीं गया, बजट अधिकारियों ने बनाया इसे खाली पढ़ने के लिए, देखा आप पढ़ो, पढ़ते पढ़ते जैसा बजट वो भी चाहती वैसा बजट, लेकिन उनके चाहने से कुछ होगा। आपको पता है देश कौन चला रहा है, वित्त मंत्री की कितनी हैसियत है, कितनी चलती, सब जानते हैं हिंदुस्तान। हालांकि बीजेपी के नेता और मंत्री ये कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है आलोचना करना, तो ऐसे में कितना भी अच्छा बजट हो वो तो तारीफ करने से रहे, सच है क्या? देखिए, बिल्कुल नहीं है, और विपक्ष को आलोचना करनी भी चाहिए, और कोई अच्छी चीज़ हो तो उसके अंदर हम उनकी तारीफ भी करें। हम ये कह रहे हैं नीट का एग्जाम रद्द कर दो, कर तो नहीं रहे, नीट रद्द की बात, अब कोर्ट का बहाना लेके चले गए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पेपर आउट हुआ है, गलतियाँ हुई है, सारा कुछ हुआ, उसके बाद क्या बच जाता? सरकार को कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में हम एग्जाम रद्द कर रहे हैं, वापस एग्जाम करा रहे हैं, और गलतियाँ हो गई उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये अपनी बात तो स्वीकार ही नहीं करते कभी, तो विपक्ष कैसे इनकी तारीफ करेगा हर मामले में, बताओ मुझे। और ऐसा कुछ भी नहीं दिया। अगर जवानों को रोजगार की बात करते, किसानों की MSP और आय दुगुनी करने की बात करते, तो निश्चित रूप से हम इनको धन्यवाद देते, लेकिन बजट में ऐसा धन्यवाद जैसा कुछ भी नहीं है। और हम जो देश के अंदर हिस्सा लेंगे तो सरकार की जो कमियां रही इनको और हमारे राज्यों के लिए, इलाकों के लिए विशेष मांग करेंगे। आखिरी सवाल, जब सदन में आपको चर्चा में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा तो क्या आपकी तरफ से कोशिश होगी राजस्थान को लेकर कि कुछ मिलने की संभावना, हालांकि बजट तो पेश हो ही चुका है? देखिए, हमने तो खड़े होकर 2-3 बार अपोज भी किया, प्रयास किया राजस्थान का नाम लो, और इसमें भी प्रयास करेंगे। राजस्थान ने इस बार बता ही दिया मोदी जी को 11 सीट हराई और 5 इनकी वेंटिलेटर पर थी, 25 में 16 पर हरा थे, तो लेकिन इनको भेदभाव नहीं करना चाहिए, इतना ही मैं कहूँगा। हम राजस्थान के लिए लड़ेंगे, प्रयास करेंगे और राजस्थान को उसका हक अधिकार दिलाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे हनुमान बेनीवाल जी को, जिनका कहना है कि केंद्र सरकार ने भेदभाव किया है जो उनको नहीं करना चाहिए, हालांकि सदन में चर्चा के वक्त इन तमाम मुद्दों को उठाएंगे। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।